हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारा नाम कविता बुंदेलखंडी है, खबर लहरिया के संपादक। 2 हफ्ता हो गए आप सब से मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, तो बहुत ही मन कर रहा कि अब आप लोगों से बात करें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्या चल रहा है इस टाइम पर और आप लोगों के इलाके में क्या माहौल है, किस तरह की खबर है, किस तरह की हलचल है, किस तरह का मौसम है। कुछ कुछ लिख के भेजते रहा करिए ना, तो चर्चा करने में, बातचीत करने में और भी मज़ा आएगा। खैर, मैं बस थोड़ी सी बात करूँगी क्योंकि मैं बहुत अभी वैसे मैं बहुत घूमी, मुंबई में थी। आप सब लोगों ने बहुत कमेंट किया, सबको बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छी अच्छी लोगों ने बातें लिखी, शेरों सारी लिखी है, तो सबका आभार भी बोलना चाहती हूँ, थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। साथियों, जो मैं देश में देख रही हूँ कि अपना देश बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है, क्या आप भी इस तरह से अपने देश के बारे में सोच रहे या महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ देश का भविष्य, हम मानते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो हमारे देश को आगे ले जाएगी और हमारे देश में जो माहौल बन गया है, मैं देख रही हूँ कि जो JNU यूनिवर्सिटी है वहाँ के बच्चे धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि JNU यूनिवर्सिटी की जो फीस बढ़ा दी गई है और ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर गरीब से गरीब बच्चा जा कर के अपना करियर बनाता है, पढ़ता है वहाँ पर रह कर के, क्योंकि इतना सस्ता है और दुनिया में अपने भारत में वही एक सस्ता यूनिवर्सिटी है और सरकार अब उसकी फीस बढ़ा रही है और इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंता हो रही है। तो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को लेकर के जिस तरह से छात्र छात्राओं के साथ में मारपीट हो रही है, सोशल मीडिया में 2-3 तरह की चर्चा और बहस को मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ। एक तबके के लोग हैं जो JNU का विरोध कर रहे हैं, उन छात्रों के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं, उनको ये मैंने अपने इलाके की एक पोस्ट आज फेसबुक में पढ़ी जिन्होंने बोला है कि जब JNU नहीं था तो क्या लोगों ने पढ़ाई नहीं की है? हाँ, पढ़ाई की है, हमने भी पढ़ाई की है, लेकिन जो एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो बच्चे की करियर को बनाता है, बढ़ाता है, और अगर उसकी फीस आप बढ़ा दोगे तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर जाकर के गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सकता है, जो दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है, जो गांव से चल के वहाँ पर आ रहे हैं, आप ऐसे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ में इतनी बुरी हिंसा हो रही, फिर एक तबके के लोग किस तरह से घिनौनी बातें कर रहे हैं। अरे, आप अगर पढ़े लिखे हो, आपको लगता है कि जब JNU नहीं था तो क्या अब नहीं हो क्या? मतलब कुछ समझ में नहीं आता। मैं बनारस के छात्र जिस तरह से धरना दे रहे हैं, एक मुस्लिम प्रोफेसर जिनको विरोध कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति हो रही है संस्कृत पढ़ाने के लिए, और वो दूसरे तबके के बच्चे हैं जो विरोध कर रहे हैं कि अरे ये मुसलमान है, ये कैसे संस्कृत को पढ़ा सकते हैं? तो अरे भैया, ये किस तरह की मानसिकता है? मुसलमान इंसान नहीं होते हैं, वो नहीं पढ़ा पाते हैं? जब वो खड़े होकर के वंदे मातरम गा सकते हैं, राष्ट्रगान गा सकते हैं जिसमें संस्कृत के शब्द शामिल हैं, तो क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? ये आज़ादी छीनते क्यों जा रही है? तो इस तरह का आर्थिक व्यवस्था को लेकर के इतने बुरे हाल हैं, सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, किसान जो अन्नदाता है, अभी आप UP का जो ये उन्नाव जिला है वहाँ के किसान अपने ज़मीन में हक पाने को लेकर के जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने इतना बुरी तरह से मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, महिलाओं को मारा, किसानों को मारा, क्योंकि वो अपनी ज़मीन में कब्जा चाह रहे हैं, वो सरकार को दे नहीं रहे वो ज़मीन को। तो इतनी बुरी स्थिति जो बनती जा रही है, मेरे मन में बहुत सवाल है
आप इस पर चर्चा करिए, मुझे लिख करके भेजिए कि आपके मन में किस तरह के सवाल हैं, फिर हम उसमें अगले एपिसोड में चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, अब देखती हूँ क्योंकि 2 हफ्ते से मैं आपके सामने नहीं आई, तो 2 हफ्ते में किस तरह की स्टोरी आपने पसंद करी है, किस तरह के सवाल आए हैं, तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ आपके सवालों को नाम के साथ में। बुंदेलखंड में अभी विश्व धरोहर सप्ताह भी चल रहा है, और उससे पहले मुझे लगा कि हम विश्व धरोहर के ऊपर बात करें, तो मैंने बात किया था किलों के ऊपर कि हमारे यहाँ का जो मशहूर बुंदेलखंड के किला है चरखारी, मिनी कश्मीर जो कही जाती है, और फिर उधर कालिंजर, उन पर बात करी थी। और ये वाला शो लोगों को बहुत पसंद आया, कई लोगों ने दिल से उसमें अपना जुड़ाव बनाया, अलग अलग तरह के कमेंट आए हैं, तो कुछ मैं एक कमेंट इसमें से पढ़ना चाहती हूँ। तो शैलेंद्र सिंह आप लिखते हैं कि बहुत सुंदर लगी आपकी बात दीदी जी, आप पूरे बुंदेलखंड की ऐतिहासिक चीज़ें अपने चलन में लगाएं व बुंदेलखंड को विश्व पटल में लाने के लिए आप एक प्रोग्राम चलाइए जो हर रोज 1 घंटे चले व हर गांव, शहर, जिले की जानकारी हो। बुंदेलखंड की आपकी चर्चा बहुत सुंदर लगी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरी चर्चा है उसको आप सुनते हो, उससे आप जुड़ाव महसूस करते हो, कुछ ना कुछ मिल पाता है, बातचीत करने में मज़ा आती है, या कुछ सवाल छूटते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मैं जो मेरा जवाब यही है कि इतना बढ़िया सलाह है मैं आपकी लेती हूँ, और ये जो ऐतिहासिक धरोहर है बुंदेलखंड में, बहुत ही छोटी छोटी ऐसे टेंपल टाइप के बने खूबसूरत जगहें हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, आप वहाँ पर भी जा कर के घूमें। और अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी धरोहर है आप मुझे लिख करके भेजिए, मैं उसके बारे में ज़रूर से चर्चा करना चाहूँ, मैं ज़रूर से बात करना चाहूँगी। और एक चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि 1 घंटे का प्रोग्राम चलाइए, तो मैं 1 घंटे का तो नहीं, लेकिन आपकी तरफ मैं सुझाव पूरा ले रही हूँ, अगर कोई सवाल या कोई मतलब ऐसी धरोहर या कोई गांव के इतिहास के बारे में आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं, कोई कल्चर के बारे में बताना चाहते हैं, मैं ज़रूर से अपने शो के माध्यम से इस पर बात करना चाहूँगी। और इस समय तो विश्व धरोहर सप्ताह चल रहा है, तो आप खबर ले रही है कि यूट्यूब चैनल में जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जा कर के स्टोरी को देख सकते हैं। वैसे हम हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट धरोहरों को लेकर के कर रहे हैं। बुंदेलखंड इलाके से 2 साल की बच्ची के साथ में रेप की घटना सामने आई थी, ऐसे आरोप लगाया गया था, और इस खबर को हमने कवर किया था। ये खबर को बहुत लोगों ने पसंद किया जब ये चैनल में चली खबर लहरिया के, तो इसमें बहुत सवाल आए, कुछ लोगों ने गालियों का प्रयोग किया है, कुछ लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है, कुछ लोगों ने सरकार को कोसा है, कुछ लोगों ने यह कहा है कि उस व्यक्ति का पुलिस एनकाउंटर क्यों नहीं कर देती है। तो मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, पर मैं अच्छी चर्चा उसमें हुई है, मुझे लगता है कि गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपके मैं नाम नहीं लेना चाहती, इससे पहले भी मैं तो एक बार बोल रही थी कि गाली का प्रयोग करना ठीक नहीं है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं या जो बलात्कारी हैं इनको सजा दिलाना सबसे जरूरी है। तो अच्छी बात है कि आप किसी न किसी रूप में उस गुस्सा को जता रहे हैं, तो मैं गालियों से सहमत नहीं हूँ। एक व्यक्ति हैं और जिनका नाम है दिनेश राय, इन्होंने जो सवाल किया है, आपका सवाल है दिनेश राय जी कि किस गांव की बात है मैडम, तो ये जो खबर है वो जब उसमें जानकारी के रूप में यहाँ पर चर्चा करना चाहती हूँ कि रेप से संबंधित बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण, अश्लील वीडियो पोस्ट करना, जितनी इस तरह की खबरें होती हैं उसमें हम लोगों की पहचान को छुपाते हैं, हम गांव का नाम नहीं देते हैं, हम उनके जो आसपास के इलाके, हम कोशिश करते हैं कि उनकी पहचान ना हो पाए, क्योंकि खबर लहरिया नारीवादी मीडिया भी है, दूसरी बात ये कानूनन अपराध है। मैं बहुत सारी मीडिया में देखती हूँ कि अगर किसी के साथ में रेप का घटना हुई है किसी महिला के साथ में, तो जो अन्य मीडिया है वो लोग सीधे जा कर के उसकी फ़ोटो खींचते हैं, नाम पूछते हैं, और सेम फेसबुक में चला देते हैं। कई बार मैं इसका विरोध करती हूँ, मेरी बहुत बहस हो जाती है आम जनता से, मीडिया से भी, तो इसका विशेषकर ख्याल रखना चाहिए।
तो मैं आपको गांव का नाम नहीं बता सकती हूँ, बस आप घटना को समझिए, मुझे लगता है ये काफ़ी है। दोस्तों एक और खबर हमने चलाई और ये 17 नवंबर की हमने पोस्ट करी है। खबर ये है कि चित्रकूट जिला के बरहा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बहुत सालों से वहां पर हैंडपंप नहीं है, एक हैंडपंप है जो खराब पड़ा हुआ है। वहां के बच्चे बूंद बूंद भर पानी के लिए तरस रहे हैं। जब मिड डे मील बनता है तब वो खाना स्कूल में खाते हैं, लेकिन बर्तन धुलने के लिए और पानी पीने के लिए उनको 1 किलोमीटर सड़क पार करके और गांव के अंदर में जाना पड़ता है। मतलब आप समझिए इतनी मुसीबत पानी को लेकर के एक स्कूल में हो रही है, ये सरकार को या चित्रकूट जिले की प्रशासन को मालूम नहीं है। जब हमने बात किया बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बात कर रहे हैं पानी पीने को लेके, घर में बोतल से पानी लाते हैं, पानी गर्म हो जाता है, जब प्यास लगती है तो फिर वो 1 किलोमीटर चल के जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के जाते हैं। अरे हमारी सरकार प्रशासन, मासूम बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, क्या आपके लिए और मीडिया के लिए ये चर्चा का विषय नहीं बनता? जो वहाँ के प्रधानाध्यापक है, जब हम उनसे मिले, हम रसोइयों से बात करें, तो उन्होंने कहा कि कई बार हम शिक्षा विभाग को एप्लीकेशन दिए हैं, समस्या से अवगत कराए हैं, आश्वासन मिला है, लेकिन हैंडपंप नहीं लगा है, बनाया नहीं गया है। जब हम बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले तो उनको इसके बारे में जानकारी पता नहीं हो, करें नहीं पता, हम जांच कराएंगे, खबर लहरे के द्वारा हमको मालूम पड़ा है तो ज़रूर से हम वहाँ पर जा कर के जाँच करेंगे। इसमें सवाल बहुत आए, लेकिन एक जो मेरे लिए ज़रूरी सवाल है और बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही बड़ा अर्थ या संदेश देता है। इन्होंने लिखा है कि हर विद्यालय में कमोवेश यही हालात है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि आपने 3-4 शब्दों में बड़ा सवाल किया है। बहुत सारे विद्यालय हैं बुंदेलखंड में जहाँ पर बच्चे पानी के लिए तरसते हैं, उनके लिए पीने का पानी नहीं है, बर्तन धोने का पानी नहीं है और इतनी बुरी स्थिति शिक्षा विभाग को पता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्यों जहाँ पर हम शिक्षा की बात करते हैं बाकी चीज़ों में इतना बवाल मचा हुआ है? आप JNU की फीस बढ़ा रहे हो, आप जा कर के बनारस के वहाँ पर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर रहे हो एक प्रोफेसर को संस्कृत पढ़ाने को लेकर के, सरकार के पास में इतना बवाल कराने के लिए पैसा है, उन्नाव के किसानों को मारने के लिए पैसा है, देश दुनिया में दुनिया की बवंडर की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शुद्ध पानी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए कोई चर्चा नहीं है, कोई समय नहीं है। प्रशासन सीधे बोलता हम जानते नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर ही नहीं आई, तो आखिर ये अधिकारी करते क्या अपनी कुर्सी में बैठ के? हर दिन जाए ना गांव में, अपने आप दौड़ा करें, अपने आप जा कर के जाँच करें, हर दिन में 2-3 गाँव तो जा कर के कवर कर ही सकते हैं, जाँच करें। ऐसा जवाब क्यों मिलता है कि हमें नहीं पता है? खैर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जनता समझ रही है अधिकारियों के, सरकार के बारे में। तो साथियों मैं अभी के लिए बस इतने ही सवाल ले रही हूँ, सवाल बहुत सारे हैं, अगले एपिसोड में और भी लोगों के नाम मैं ज़रूर से पढ़ूंगी। तो आप लोग अपने इलाके की खबरें, अपने इलाके के बारे में जो भी सुनना पसंद करते हैं, जो भी आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं, कुछ चर्चा सुनना चाहते हैं, आप ज़रूर से लिख करके भेज दीजिए, मैं अपने एडिटर देगी जवाब के, सो मैं ज़रूर से शामिल करूँगी। तो दोस्तों खबर लहरिया को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, खबर लहरिया की जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग आप तक पहुँचती रहे। तो अब दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।